हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पैरापिट के ऊपर ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं एलिवेशन का, ये कैसे बनाया जाएगा, ऊपर वाला जो रेलिंग का है इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए ये अभी कंटिन्यू ये बना है अभी ये डायमेंशन, और ये कैसे बना है इसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पर बनाना है इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो कम्प्लीट हुआ है ये आप देख लें, फिर से इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिक वॉल है, उसके बाद वहाँ पे एसएस का पाइप है, उधर कॉलम है, और ये ऐसा डिजाइन रहेगा, ऐसे ये आएगा बनके। तो ये 10 इंच में बनाएं या फिर ये 5 इंच में बनाएं, कैसे बनाएं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 10 इंच में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, 5 इंच में क्या फ़ायदा है, और बनाना किस में जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर ये 5 इंच का बनाया है और ये ऊपर वाला 10 इंच का बनाया है, तो दोनों का हमने एक्सपीरियंस लिया है, तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है इसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और कितनी ईंट लगेगी, कितना मेटेरियल लगेगा ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इंच में, 5 इंच में डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग 10 इंच वाले में भी आपको हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 इंच की बात कर लेते हैं। तो ये जो रहेगा यहाँ पर अगर कॉलम है, यहाँ गुंजाइश है आपको जिस इस तरीके से, तो 10 इंच का आप कॉलम दें, गुंजाइश नहीं है। अगर यहाँ देखिए इधर की तरफ जो छज्जा होता है, छज्जा कहने का मतलब ये कॉलम के बाद ये जो आप देख रहे हैं इस पर अगर आपको बना रहे हैं तो फिर 5 इंच का कॉलम दें, ठीक है, चूँकि यहाँ 10 का है तो यहाँ 10 की देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें लटक बीम आप देख रहे हैं ये छज्जे में है इस तरीके से, इसमें भी दिया हुआ है, तो वो क्या है लोड बेयर कर लेता है। चलिए अब यहाँ से बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ से कितना देना है, 10 का रहेगा कॉलम तो 10 का, 5 का है तो 5 का, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऐसा दिखेगा बनाने का, ये देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डायमेंशन चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसमें देखिए टोटल ये लंबाई है, ये यहाँ पे 21 फुट 11 इंच यहाँ आउटर से लेके वहाँ आउटर तक का है, वो जो आप कॉलम देख रहे हैं वहाँ तक का है, ठीक है। तो उसे इंच में कन्वर्ट कर लेंगे, 263 इंच है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे 60 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो देखेंगे आप, तो ये निशान जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ईंट यहाँ पर लगता है कल ज़्यादा डालते हैं इन्होंने, पहला एक रद्दा ये ऊपर रहेगा, तो यहाँ से ये कटिंग कट देंगे या फिर काट देना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। ये निशान आप देख रहे हैं, तो 60 इंच यानी 5 फुट ये कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 2 3 4 रद्दा जो है ये 19 इंच है, तो 19 इंच का ये हाइट है, ये कंटिन्यू 4 रद्दा सेम चलेगा, 4 रद्दा में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये करना है ये है कि जो इधर का 102 इंच है इधर से नापेंगे, 102 इंच आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें है यहाँ पे दो पाइप कर रहे हैं, कहने का मतलब है जो आप ऊपर देख रहे हैं वो पाइप, एक जो पाइप का लेंथ है उसका 2 ही टुकड़ा रखेंगे। तो अगर 3 टुकड़ा कर दे रहे हैं, जैसे ये 20 फुट का लेंथ आता है एस एस का पाइप, अगर 3 टुकड़ा कर देंगे तो वो छोटा हो जाता है, इसलिए हमने 2 टुकड़ा किया उसे, तो 2 टुकड़ा के हिसाब से थोड़ा सा वेस्टेज बच जाता है। आप अगर उसे भी नहीं बचाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग 10 फुट का है, 10 फुट में 5 इंच कॉलम में जाएगा, 5 इंच ब्रिक में जाएगा, तो 9 फुट का आप डिस्टेंस रख सकते हैं, ठीक है। 9 फुट का डिस्टेंस आपको यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक रखना है, उसके बाद 5 इंच इधर जाएगा और 5 इंच इधर जाएगा, तो 10 फुट हो जाएगा। अगर ये रहा ब्रिक का, तो ब्रिक सेंटर में हुआ। अब ब्रिक सेंटर में रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 7 इंच का जगह छोड़ेंगे, इधर 7 इंच, 1 रद्दा 7 इंच 1 रद्दा, ठीक है, इधर कंटिन्यू दीवार, इधर कंटिन्यू दीवार, तो ये टोटल 4 रद्दा जो है कंटिन्यू चलेगा। इसका 2 तरीका, एक तो आप लकड़ी लगाएं यहाँ पे और तिरछा चिनाई कर दें, उसमें दिक्कत होती है, दूसरा तरीका है ये है, ऊपर वाला हमने ऐसा ही किया था, ये लकड़ी लगा दिया था और किया था, लेकिन बाद में हमने क्या किया उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इस तरीके से हम 9 इंच ज़्यादा चुनाई करके फिर इसको स्लोप में काट लेंगे, 9 इंच का ये स्लोप रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अगर 7 इंच का करके देखा हमने, 7 इंच में अच्छी क्वालिटी नहीं आई थी, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके उसकी यहाँ ये हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक 5 फुट, ठीक है, 60 इंच यहाँ पे रख देंगे, 60 इंच और 102 इंच उधर हो गया। आप क्या कहते हैं कि लंबाई के हिसाब से वो फिक्स रहेगा, ये मूवेबल रहेगा, ये छोटा बड़ा होता रहेगा। उसके बाद करना क्या करना है, यहाँ से लेके इस यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ये देखिए ये वाला 25 इंच यहाँ से लेके ये वाला 25 इंच यहाँ तक रखना है, जहाँ तक आएगा ये 25 इंच आपको रखना है। ये रद्दा बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये जो बना है ये डिज़ाइन 25 इंच, और ऐसे भी बनेगा 25 इंच ये बनेगा, ठीक है, इसका ध्यान देना है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे ब्रिक में बनाया है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो अब हम लोग क्या करेंगे ये प्लास्टर में ही बनाएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका 25 इंच होने के बाद जो भी आप स्पेस बचेगा यहाँ से और यहाँ का सेंटर करेंगे, सेंटर में क्या करना है 10 इंच, और यहाँ पर क्या करना है 7 इंच का जगह छोड़ना है, फिर 10 इंच सेंटर कर लिए, 7 इंच का जगह छोड़े, 1 रद्दा इधर,
फिर एक इधर, मतलब तीन होल इसमें छोड़ना है समझ लीजिए। उसके बाद जितना इक्वल टुकड़ा इधर आएगा उतना इक्वल टुकड़ा यहाँ पे ईंट का आएगा। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर की तरफ जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ ऊपर में ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये स्टार्ट होगा 24 इंच पे। यहाँ से 24 इंच पे ये आप स्टार्ट कर देंगे और सेम वैसे ही 5 और 7 रखेंगे। टोटल का सेंटर कर देंगे, टोटल यहाँ से लेके, और ये आउटर जो है इसका सेंटर करेंगे। सेंटर ये हुआ, सेंटर पे एक रद्दा यहाँ पे चुनाई रखी ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद 5 इंच 2 इंच इधर 7 इंच इधर 7 इंच इधर, फिर 5 इंच फिर 5 इंच, बैलेंस टुकड़ा इधर, बैलेंस टुकड़ा यहाँ से इधर, इक्वल इक्वल आ जाएगा। ये टुकड़ा बाहर से देखने में कुछ ऐसा ही दिखता है। उसके बाद क्या करना है कि ईंट उखड़ ना जाए, उसके लिए यहाँ पे सरिया डाला जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सरिया डालेंगे इसके ऊपर, इसमें 2 सरिया डाला गया इस तरीके से, इसमें देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये उखड़ेगा नहीं, और ये कास्ट भी हमने कर दिया है, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। और उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से लेके ऐसे स्लोप में कटिंग कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ पे रोरी डालें, यहाँ पे रोरी डल गया है, टोटल का इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद देखिए यहाँ से 1 फिर 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह यहाँ तोड़ेंगे, और 3 जगह तोड़ने के बाद इसमें पाइप फिट करेंगे, उधर की तरफ कॉलम कास्ट करेंगे, फुल कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो आप देख रहे हैं ये फाइनल जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से तैयार होगा। इसमें 10 इंच का बनाया गया है। 10 इंच में दिक्कत ये हो जाती है कि ये वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और इसमें ईंट ज़्यादा लगती है। लगभग 200 के आसपास इसमें ईंट की चिनाई होगी। कितना ईंट लगा था कल? 200। हाँ, तो 200 ईंट लगेगा इसमें। इस तरीके से आप करेंगे तो लगभग 21-22 फुट के लेंथ में 200 ईंट लगेगी, और इसमें पाइप जो लगेगा 1.5 लेंथ लगेगा, मतलब 20-10-30 फुट लगेगा। तो 2 डिज़ाइन है तो आपका पाइप वेस्टेज नहीं होगा, और 1 डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका एक जो टुकड़ा है 10 फुट का वो वेस्टेज हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप परचेज करें। तो SS का लगाएं, MS का भी आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि यहाँ पे अगर बनाना है हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको हम देंगे।